हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. अनुष्का भारद्वाज हियर. एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड नॉर्मन लुईस. मैंने एक अपनी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स डाली थी, उस पर आपने कमेंट किया कि इसको कैसे पढ़े नॉर्मन लुईस को. उसमें मैं नॉर्मन लुईस पढ़ रही थी तो बहुत सारी कमेंट्स थी, और एक आधी कमेंट तब भी आई थी जब मैंने फर्स्ट दिन इसको पढ़ना शुरू किया था. तो मैंने इसको मे बी 26 नवंबर के आसपास पढ़ना शुरू किया था, और आज मैं इसे शूट कर रही हूँ 28 दिसंबर पे, और शायद अपलोड होने में ये एक दो दिन और ले लेगी, क्योंकि हाँ ले लेगी ये टाइम. तो मैंने सोचा कि मेरे अब इसमें 32 सेशंस हो चुके हैं, तो इसको शेयर करूँ कि मैंने 32 सेशंस पूरे कर लिए, और इसमें अभी इतना ज़्यादा लंबा सेशंस बचे नहीं है. लेकिन मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूँ कि आपको हेल्प मिले थोड़ी. तो स्टार्ट करते हैं. और हाँ, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं इसको लेके कि ये गवर्नमेंट जॉब में हेल्पफुल है या नहीं, केवल इसी को कर लो तो फ़ायदा मिलेगा या नहीं. तो हाँ, ये जो भी चीज़ आपकी क्वेरी है मैं इस वीडियो के अंदर सबका आंसर दूंगी आपको. अगर वीडियो में कोई भी आपको बैकग्राउंड में नॉइस आए तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमारे जो गली है ना उसमें एक घर में डॉगी है, और वो उसी टाइम भौंकना शुरू करता है जिस टाइम मैं मतलब कुछ ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें कुछ मुझे बताना पड़ता है अपने मुँह से, या कुछ भी वॉइस देनी है. तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं उसे चुप नहीं करा सकती, या और भी पता नहीं कहाँ से प्रकृति का शोर शुरू हो जाता है. मैं टॉपिक तो दिखाना ही भूल गई, इतनी मेहनत से मैंने सजा के लिखा था ये हाउ टू रीड नॉर्मन लुईस वर्ड पावर मेड इजी. तो अब मैं आपको बता दूं, और एक और क्वेरी थी कि क्या ये ज़रूरी है पढ़नी, इसके बिना काम नहीं चल सकता. तो इज़ ओनली अप टू यू, ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि इसके बिना काम चल सकता है या नहीं. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, बिल्कुल रिगरसली रीडिंग कर रहे हो, एक एक मीनिंग उसका आप गूगल कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन फॉर श्योर आप रीडिंग करने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि यार उनका रूट वर्ड बताओ तो हम उनको अच्छे से कर सकते हैं, जो मेरे साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैसे पढ़ती हूँ, मान लो मुझे 7वां सेशन करना है, तो मैंने इसको रीड किया पूरा, फिर इसको रीड किया पूरा, फिर इसको रीड किया पूरा, फिर इसको मतलब फिर उसके बाद जितना मैंने पढ़ लिया उस हिसाब से, ये जो है ना सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि ये मैच दैम है. आप ऐसे हाथ रख लो, इसका मीनिंग दिमाग में कच्चा पक्का भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद इसको हम हाइड कर सकते हैं, इससे मीनिंग निकाल लिया. और कई बार एक आधा वर्ड मेरा भी गायब हो जाता है कि यार क्या था इसका मतलब, मैं भूल गई, क्योंकि इतनी भी हमारी पावर ग्रैस्प करने की नहीं होती. लेकिन अगर इसको बार बार करोगे ना, जैसे एक बार इस सेशन को पढ़ लिया, जैसे अभी मैंने पढ़ा और उसके बाद एक दो मिनट का गैप दे के फिर से इसको लगाया, तो मैं इसका मतलब पता लग जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या है, साइक्लो एनालिस्ट क्या है. और साथ ही साथ सबसे फ़ायदा क्या होता, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको इसकी प्रोनंसिएशन भी आ जाती है जो इसमें दिया हुआ है. एक इसमें ना ये था मुझे डाउट, एक इसमें ये किरोप्रैक्टर, मतलब मैं तो इसको पहले बिना इसके देखे मैं इसको चिरोप्रैक्टर प्रैक्टर भी नहीं बोलती, मैं इसको चिरोप्रैक्टर बोलती थी तब. लेकिन अब जब मैंने मतलब इसको पढ़ा ना, तो आप पता चला आर तो साइलेंट ही है यार, किरोप्रैक्टर तो प्रोनंसिएशन में भी बहुत फ़ायदा होता है. और तो मैंने बेवकूफ़ी की हुई है, आप ये मत करना कि आप ये मार्क कर दो, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे आपको तो आंसर सामने ही दिख रहा है, और जब आपको आंसर नहीं दिख रहा तो आप ये हाइड करके अपने आप पढ़ो, आंसर खुद निकालो. पर ये मत करना जो मैंने किया हुआ है, मैंने शुरू में किया था ना, उसके बाद मैंने नहीं किया है. फिर मैंने ये रे जैसे मैंने फिर किसी पे भी मार्क नहीं किया, मैंने फिर हाथ रख रख के मतलब हाइड कर करके इसको करना शुरू किया. जैसे क्या ना, दिमाग में जो अभी आपने वर्ड याद किया था वो इतनी जल्दी तो उड़ेगा नहीं. पहला एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था पढ़ना, तो इसके जब मैंने खरीदी थी, एक्साइटमेंट में खरीदते हैं ना किताबें, तो तब मैंने खरीदी और मैंने इसके 2-3 सेशन तो कर लिए पूरे आराम से बढ़िया मज़े में. लेकिन उसको मैंने बहुत स्पीड में किया कि आज ही कर लो, बहुत जैसे एक्साइटमेंट में हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ फिर कर नहीं पाते हैं. और मेरे 2-3 सेशन करने के बाद ही फिर मैंने उसको छोड़ दिया था. फिर उसके बाद अभी मैंने जब इसको दोबारा स्टार्ट किया नवंबर में, तो मैंने सोचा कि एक एक सेशन करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे जिससे कि फ़ायदा होगा. और रियल में मुझे फ़ायदा हुआ, मेरी कंसिस्टेंसी बनी, इंटरेस्ट बना. तो मैं आपको यही पहली टिप दूंगी कि आप जब इसको पढ़ रहे हो तो वन टाइम एट वन सेशन, और मतलब उस सेशन को उस दिन रिवाइज ज़रूर करना है. जैसे हफ्ते में आपने 6 सेशन कर लिए इसके, हो सकता है बीच में एक सेशन बड़ा भी हो, हो सकता है एक सेशन बड़ा भी हो, तो अब आप क्या करोगे कि उस सेशन को आधा एक दिन कर लिया, आधा अगले दिन कर लिया. लेकिन उसको मतलब मैं आपको एक टिप दूँ कि रिविजन मस्ट है इसको कर रहे हो तो, या किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो रिविजन मस्ट है. फिर आप जो संडे है उस दिन उन सारे के सारे सेशन को रिवाइज कर लो. हाँ,
रिवाइज करने से क्या होता है कि जितने आपने मतलब बैगेज सा ना हो जाए, आपने कर लिए 100-200 वर्ड और उसके बाद आपने रिविजन नहीं किया तो फिर कोई फायदे नहीं उन 100-200 वर्ड का। तो क्योंकि हम इतने सारे वर्ड्स जब याद कर लेते हैं और हम प्रॉपर रिविजन नहीं करते तो क्या होता है कि वो हम वर्ड्स भूलने लगते हैं, और जब हम उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे तो वर्ड्स भूलेंगे भी नहीं। और इसको रिविजन के लिए एक आप ट्रिक भी अपना सकते हैं, उनको सेंटेंस में याद कर लिया, और इसमें बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या है कि इसमें रूट वर्ड्स हैं सेशन फर्स्ट में, मतलब एक वर्ड को डिस्क्राइब करा हुआ है पूरे पैराग्राफ में, जैसे मी फर्स्ट एंड ईगोइस्ट। इसी को मतलब ये फर्स्ट सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बाकी आगे इंटरेस्ट लेंगे तो और भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, आगे के सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे इसमें एक और खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें ये प्रोनंसिएशन भी अच्छी हमारी हो जाती है। मैं इसको मॉर्निंग में करती हूँ तो इसको बोल बोल के करती हूँ तो प्रोनंसिएशन में भी ऑटोमेटिकली हेल्प होती है। और उसके बाद इसमें ये मैच डैम है जैसे कि, तो मैच डैम से क्या होगा, जितने हमने वर्ड्स कर लिए उनको प्रॉपर आपने टेस्ट ले लिया अपना, इनको फिल मत करना। मैंने शुरू में क्या किया था, जैसे ये मैंने स्पेलिंग्स इसमें फिल कर दी, पर आप फिल मत करना। इससे क्या है कि आप लर्न जब दोबारा रिविजन करोगे, तीसरी बार चौथी बार जब भी रिविजन करोगे तो दिमाग में स्पेलिंग्स घूमती रहेंगी। और ये भी आंसर मैंने कर दिए थे, फिर उसके बाद मैंने आगे आंसर नहीं किए। फिर मैंने सोच लिया कि यार जब तू दोबारा रिविजन करेगी तो तुझे आंसर दिखेंगे ये, तो आंसर ना दिखें और आप खुद से इसको कर लें, उसमें भी हेल्प होगी। इसमें रूट वर्ड के साथ साथ और भी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि इसमें नाउन सफिक्स ये दिया हुआ है, आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि एडजेक्टिव सफिक्स, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड में आपको पता चल जाएगा कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। एंड इसमें कुछ सेशंस में तो डिस्क्राइब किया हुआ है एक एक पैराग्राफ को। मेरा वैसे टारगेट इसमें ये है कि मैं अपने एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लूं, और ये हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट जब मेरी अभी 32 सेशंस हो गए हैं, और हो ही जाएगी अपना। और क्या करेंगे, डेली डेली एक सेशन को करेंगे। और अगर एक सेशन करना आपको बोरिंग लग रहा है तो आप ऐसा कर लो, आधा सेशन कर लिया, फिर उसके बाद आपने आधा सेशन अगले दिन कर लिया, लेकिन रिविजन इज मस्ट। एक और चीज, ये बुक सच में हेल्पफुल है, अगर आपको लेनी है तो आप बिल्कुल लीजिए इस बुक को, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी। और मैंने ये अपने आसपास की दुकान से ही ली थी, तो बहुत दिन हो गया, अभी मुझे इसका प्राइस नहीं पता। और आप अमेज़ॉन पर भी देखोगे तो अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।